विशेषज्ञों के अनुसार बिना युद्ध किए भी कोरियाई नेता किम जोंग ने अमेरिका के साथ विवाद का पहला राउंड जीत लिया है। हमला ना हुआ हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे प्रकरण में अमेरिका की गीदड़ भभकी और छलावा कह सकते हैं। लेकिन विशेषज्ञों की मानी जाए तो इतने नाटकीय तरीके से शोर शराबा मचाकर हमले का डर पैदा कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उत्तेजित कर साथ ही जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिकी सहयोगियों को चेताकर किम जोंग ने भविष्य में आक्रमण अस्थिरता की एक मिसाल तो बना ही दी है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने अपने नेता किम जोंग उनके सैन्य अधिकारियों के साथ गुआम पर हमले की योजना का जायजा लेते हुए पहली तस्वीर वायरल कर दी है। इन तस्वीरों में कोरियाई मिसाइल के पथ की रूपरेखा के अलावा बिल्कुल साफ तौर पर नजर आती है। अमेरिकी सेना ने एंडरसन एयरफोर्स बेस की सैटेलाइट से ली गई फोटो खबर में लिखा है कि किम कोई कदम उठाने से पहले अभी थोड़ा और देखना चाहते हैं। योजना ऐसी कि गुआमा उत्तर कोरिया चारों दिशाओं में एक एक मिसाइल दागेगा। अमेरिका रक्षा मंत्री जेम्स मेटिस ने कहा, अगर वे अमेरिका पर हमला करते हैं तो स्थिति बहुत जल्दी युद्ध में तब्दील हो जाएगी। पियोंगयांग के अनुसार किम का फैसला कोरियाई हवाई सीमा में अमेरिका के B-1B लड़ाकू विमानों की उड़ान से संबंधित है। ये विमान हालांकि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नहीं है, लेकिन यह अमेरिका के जखीरे में अभी भी सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है और अमेरिका ने इस विमान को बार बार पियोंगयांग के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के लिए दक्षिण कोरिया जोन में भेजा है। सैन्य विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर अमेरिका इन उड़ानों को रोक देता है तो यह अपने आप में किम की जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़।